हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीएस एजुकेशन हब में, एंड यू आर वाचिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर योर एग्जाम्स, लाइक दैट SBIPO क्लर्क, LIC, FCA के क्वेश्चंस एंड CGLS एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के नंबर सीरीज में, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज में। दोनों में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है क्वेश्चन अटेंड करने में, तो प्लीज मैं रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। येस्टरडे मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज के मैंने वीडियो अपलोड करे, एंड टूडे मिसिंग नंबर सीरीज के वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो अपने देख लीजिएगा, जाके 100% आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, ये मेरी गारंटी। अगर कोई भी क्वेश्चंस पे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन, एंड बिफोर दैट यू आर न्यू स्टूडेंट इन माय चैनल्स, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट टाइम वेस्टिंग। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्लोप मेथड डिफरेंस हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, इसी टाइप से क्वेश्चन चलेंगे। ओके, देखिए कुछ स्टूडेंट ने कहा सर ऐसे क्वेश्चंस बताइए ताकि एग्जाम्स में करते समय थोड़ी सी आसानी महसूस हो, तो इसी बेस पर मैं रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कुछ क्वेश्चंस टफ भी है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े इजी लेवल पे भी हैं। ओके, सारे स्टूडेंट्स को भी देखना पड़ता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, माइनस का डिफरेंस, माइनस का 0.5 राइट, एंड देन नेक्स्ट टर्म्स 3 माइनस का 1 राइट, एंड देन नेक्स्ट टर्म्स माइनस का 4, एंड देन नेक्स्ट टर्म्स इसको 60 माने 23 प्लस 1 40 24, ऐसे टाइप से आपको ऐड और करना पड़ेगा। देखिए 24, अब देखिए क्वेश्चंस देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, 100% आप आंसर देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए किस टाइप से स्लो मेथड इस क्वेश्चन में मैंने दिया है, इनटू 2 राइट, इनटू 2 करेंगे तब आप क्वेश्चंस, अगर आपने क्वेश्चन ज्यादा सोल्व किए तो आपके क्वेश्चन ये क्लिक करेगा, नहीं तो आप करते जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। इनटू 4 इनटू मल्टीपल 6 राइट, अब नेक्स्ट टर्म्स देखिए मल्टीपल 6 तो नेक्स्ट टर्म्स 8 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी अपने डिफरेंस करना चाहिए, डिफरेंस प्लस 2 का राइट, यहाँ भी प्लस 2 का, एंड यहाँ भी प्लस टू का। ओके, अब देखिए इंटू 24 इंटू 8 यानी कि 192। टेबल आपको रिमेंबर रहना चाहिए कि 192 इसमें से लेस करना है अपने को, याद रखिएगा लेस करना है, माइनस के 192 लेस करें 7, एंड देन 35 माइनस 19 इज इक्वल टू 116 यानी कि 167 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट वेरी वेल, डू यू अंडरस्टैंड सम सारे ऑल ओवर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चंस देखिएगा 100%, कुछ इजी लेवल पे भी क्वेश्चंस है, कुछ मॉडरेट टू हार्ड लेवल, ये SBIPO में एग्जाम्स में पूछा गया था क्वेश्चंस। ज्यादा से जल्दी से जल्दी क्लिक, देखिए कितने डिफरेंस मैंने, कितने स्लो मेथड दिए, 1, 2 एंड 3, 3 डिफरेंस मैंने दिए हैं सारे क्वेश्चंस में, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन अच्छा आ रहा होगा, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 100% फर्स्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपके SBIPO में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए 3.5, 5 एंड 14.5 एंड 41.5 एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए स्लोप आपको पता चल गया होगा क्या स्लोप मेथड चल रहा है, देखिए यहाँ पर अपने को मालूम चला 3 का मल्टीपल ये चल रहा है। ओके, 3 का मल्टीपल चल रहा है, अब देखिए 3 में क्या मल्टीपल और ऐड करें, क्या लेस करें, किस टाइप से, देखिए 14 3 जा 42 एंड 3 into 5 यानी कि 1.5 है ना, तो 1.5 यानी कि 42 प्लस 1.5 43.5 एंड 43.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 41.5। ओके, देन नेक्स्ट टर्म्स देखिए इनटू, ये आपको चल रहा है क्या, इनटू 3 करेंगे, यानी 15 माइनस 0.5 ना मैच नहीं हो रहा है,
इनटू 2.5 करेंगे। देखिए 2.5 आपको मालूम है, 12.5 प्लस 2, राइट। तो दिस इज द 14.5, यानी कि इंटू 3 इंटू 2.5 एंड देन नेक्स्ट टर्म्स इंटू 2 एंड देन नेक्स्ट टर्म्स इंटू 1.5, ओके 1.5। अब 2 1.5 ना करें तो आप कुछ कुछ स्टूडेंट्स 3 3/2 करते हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर 5/2 करते हैं, तो इस स्टेप से भी आप कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। मेरे को जो ईजी लगा मैं आप करा रहा हूँ, जो आपको ईजी लगे आप इस स्टेप से कर सकते हैं। मैंने ऑप्शंस आपको स्लोप मेथड बताया कि स्टेप से स्लोप मेथड है। देखिए यहाँ माइनस टू, यहाँ प्लस टू, तो देन नेक्स्ट टर्म्स यहाँ माइनस, यहाँ सॉरी माइनस टर्म, सॉरी माइनस टू आएगा यहाँ, प्लस नहीं, ओके माइनस टू है एंड देन यहाँ प्लस टू आएगा। अब देखिए सीरीज आपको पता चल रही होगी, इंटू 1.5 इंटू 1 यानी कि 1.5 प्लस 2 यानी कि 3.5 करेक्ट है, इंटू 2 यानी कि 7 प्लस माइनस 2 यानी कि 5 इज इक्वल टू यानी कि करेक्ट है, एंड इंटू 2.5 12.5 प्लस 2 यानी कि 14.5, यह आपने अपन ने आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट टर्म्स अपने को देखिए, नेक्स्ट टर्म 3.5 माइनस है तो प्लस का यहाँ 2, ओके 3.5 प्लस 2। ये देखिए ये मल्टीपल ही बेस्ट मेथड है, मल्टीपल में टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको अच्छे से आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो देखिए मैं समझाता हूँ किस टाइप से आप मल्टीपल करेंगे 3.5 से 14.5। अगर आप इस टाइप से करने लग जाएंगे तो गया टाइम, सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, टुकड़ों में कीजिए इसको, 40 प्लस 1.5 मानिए, 40 प्लस 1.5 मानिए, 40 से 3.5 से गुणा, 3.5 से मल्टीप्लाई आसानी से हो सकती है, ओके 40 इंटू 3 कीजिए 120 इंटू 5, 40 का हाफ 20 यानी कि 120 प्लस 20 यानी कि 140, ओके एंड देन नेक्स्ट टर्म्स, नेक्स्ट बचा आपने का 1.5 इंटू 3.5 वापस कर दीजिए मल्टीपल 1.5 यानी कि 15 इंटू 35, आपको ऑटोमेटिकली मालूम है 525, ओके 525 एंड यहाँ 2 पॉइंट्स के बाद पॉइंट्स हैं, 2 संख्या के बाद पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे भी अपन 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट टर्म्स अपने आइडेंटिफाई हो गया 145.5, ओके। इस हिसाब से देखें मैंने कैलकुलेशंस एंड ओनली फॉर रैंडमली मैंने कर दिया कैलकुलेशंस, इसी हिसाब से आपको एग्जाम्स में करना है ताकि आप टाइम सेव कर सकें अच्छे से। प्लस टू है अपन प्लस टू ऐड कर देंगे, ओके। तो नेक्स्ट टर्म्स अपने आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली 147.25, ओके। आई होप यू ऑल गॉट इट वेरी वेल, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके 147 इज द करेक्ट आंसर, 147.25, ओके। आई होप यू विल गॉट इट वेरिएबल्स टू अंडरस्टैंड सम सारा ऑल ओवर्स अच्छे से समझ में आएगा, तो प्लीज़ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। हाँ सर क्वेश्चन बेस्ट है, क्वेश्चन से हमारी स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, हमारी स्पीड भी थोड़ी इंप्रूव, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, 187, 271, 277 एंड 277। देखिए यहाँ अपने को मालूम चल रहा है 0 का डिफरेंस है, यहाँ अपने को 71 प्लस 6 का डिफरेंस है, राइट। प्लस 6 करेंगे तो भी 27 आएगा एंड देन यहाँ अपने को मालूम है, यहाँ 50 मानिए इसको, 50 21 प्लस 3 यानी कि 24, राइट 24। नेक्स्ट टर्म्स देखिए 127 और 247 यानी कि 77 सो लेस हो गया 18 60, ओके 60, 18 प्लस 24 यानी कि 18 प्लस 6 इक्वल टू 24। देखिए ये क्वेश्चंस आपको अगर बहुत लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, चाहे मेरे साथ हो किसी अदर चैनल्स में भी प्रैक्टिस किए हैं, तो 100% आपको देखते ही क्वेश्चंस आइडेंटिटी क्लिक कर जाएगा एग्जाम्स में, हाँ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको स्किप करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को, ओके। देखिए किस हिसाब से, देखिए 24 देखते ही मेरे को क्लिक कर दिया, 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस 3 यानी कि 3 का क्यूब 27 माइनस 3 जो 24, ये 4 का क्यूब माइनस 4 60, ओके एंड देन नेक्स्ट टर्म्स 2 का क्यूब, देखिए ये भी आपको पता चल गया 2 का क्यूब माइनस 2 6 एंड देन नेक्स्ट टर्म्स 1 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 0। तो नेक्स्ट टर्म्स अपने को ऑटोमेटिकली 5 का क्यूब माइनस
का क्यूब माइनस फाइव, सॉरी 5 का क्यूब माइनस 5, राइट, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब माइनस 5 यानी कि 120, ओके 125, 5 का क्यूब माइनस 5 इजिकल टू 120, 120 इसमें से अपन लेस करेंगे तो 120 इसमें से लेस करेंगे ऑटोमेटिकली 67 ऑटोमेटिकली अपने आंसर आ जाएगा। ओके, बी ऑप्शन था करेक्ट आंसर। आई होप यू विल गॉट इट वेरी वेल। अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चंस देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे हैं। थ्री क्वेश्चंस अभी तक मैंने कराए हैं, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चंस में आपको हल्का लगे, हलवा टाइप क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा सर ये हलवा टाइप क्वेश्चंस आपने क्या करवाए। देख लीजिए सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पीओ प्री लेवल में ऐसे क्वेश्चंस, मेंस लेवल में क्लर्क के बेसिस पे मेंस लेवल में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आप मेंस लेवल के तो क्लर्क बेस पे आप एग्जाम्स लेंगे तो 100% आप देखते ही आंसर करोगे, लिखने की विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे पाओगे। ओके, देखिए 9, 11 एंड 12, 22 एंड 51 एंड 107 एंड देन क्वेश्चंस मार्क, दिस इज द आइडेंटिफाई करना है। देखिए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन क्लर्क में पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए 2 11 2 11 डिफरेंस एंड देन नेक्स्ट टर्म्स 2 11 एंड नेक्स्ट नंबर्स, देखिए 24 का डबल कीजिए, 24 का डबल 44 यानी कि 7, 22 प्लस 7 यानी कि 29, राइट 29 एंड देन नेक्स्ट टर्म्स यहाँ देखिए 51 का डबल कीजिए 102 फाइव इसमें ऐड कर दीजिए, फाइव इसमें ऐड करेंगे तो 56, राइट। नेक्स्ट टर्म्स अपने को देखिए यहाँ भी 9, यहाँ 18, 18 प्लस 11 इज इक्वल टू 29 एंड प्लस 6 प्लस 1 7 एंड 20 इज इक्वल टू 27। और नेक्स्ट टर्म्स अपने को मालूम है 9 का टेबल चल रहा है एंड देन नेक्स्ट टर्म्स 36, 36 में ऐड कर दीजिए 2 एंड 9, 2 एंड 9 यानी कि 192 प्लस 7 यानी कि 199 इज द करेक्ट आंसर, 199 ऑप्शन नो इज द ई ऑप्शन, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल गॉट इट वेरिएबल्स, नाइन्थ का टेबल से लाए, आई होप यू विल गॉट इट वेरिएबल। अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके क्लर्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं खुद एकदम से जो क्वेश्चन इजी लेवल में लगे तो मैं खुद कह देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपका क्लर्क आप देखते ही आंसर कर पाओगे, ये क्वेश्चन आप देखते ही क्वेश्चन आंसर पर कर पाओगे। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट है 5 × 5 का 3, 3 से 4 यानी कि इंटू 1 प्लस 1, बिल्कुल कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, इंटू 1 प्लस 1 एंड देन नेक्स्ट टर्म्स इंटू 1.5 प्लस 1.5, देखते ही पता चला 1.5, 6 प्लस 1.5 बराबर 7.5, देखते ही पता चलता है। तो नेक्स्ट टर्म्स अपने यहाँ पर 0.5 है तो यहाँ पर 0.5 प्लस 0.5, 5 का हाफ कीजिए 2.5 प्लस 0.5 इजिकल टू 3, ओके 3, तो मैच 3 डिजिट अपने 3 डिजिट अपने मल्टीपल कर लिया, हाँ सही मैच हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म्स अपने को ऑटोमेटिकली इंटू 2 प्लस 2, ओके इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 15 प्लस 2 यानी कि 7, 17 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। देखिए 7.5 × 2 यानी कि 15 प्लस 2 इजिकल टू 17, ओके आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। ऐसे क्वेश्चन क्लर्क में आपको पूछे जाते हैं, आज क्लर्क IBPC क्लर्क को चाहे SBI क्लर्क को ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तुरंत आपको तुरंत विद इन 10 to 10 to 20 सेकंड में आंसर आपको देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का, ये टाइम सेविंग क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अच्छे से क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे सर, हाँ हमारे लिए फ्रूटफुल है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, हमारे लिए इंस्ट्रूमेंटल है, तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की ऐसे क्वेश्चन, तो प्लीज़ लाइक बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो फ्रेंड के साथ, अपने कलीग्स के साथ एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। ओके, एंड मॉर्निंग्स में इंग्लिश वोकैबुलरी का सेशन आता है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, मैंने डिस्कस किया आर्टिकल्स के बारे में विद वोकैबुलरी विद सेंटेंस के साथ मैंने प्रोवाइड किए, जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़।